हेलो प्यारे बच्चों आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट टेंस वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा कि नाम से ही क्लियर है परफेक्ट मींस कोई भी परफेक्ट काम हो चुका है मींस चुका था चुके थे चुकी थी पास्ट परफेक्ट पास्ट का कोई भी एक्शन शो करने के लिए जो कंप्लीट हो चुका था ठीक है जैसे इस सेंटेंस में देखो आपको कुछ क्लैरिटी आएगी I had eaten my breakfast. मैं अपना भोजन खा चुका था before I went to school. अब went एक ही sentence में to क्या है वर्क हो रखे हैं अब पहले वर्क कौन सा हुआ है उसने ब्रेकफास्ट खाया है और उसके बाद वो क्या किया उसने स्कूल गया है तो जो एक्शन पहले होता है उस फर्स्ट हैपनिंग के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं कोई भी सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं और दोनों एक्शन में से जो एक्शन फर्स्ट होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और सेकंड वाले पार्ट में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो चलिए अब हम आज क्या करने जा रहे हैं आज हम करने जा रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस सो इसे अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एग्जाम्पल्स के साथ द ट्रेन हैड गोन वेन आई अराइव एट द स्टेशन अब देखो बहुत ध्यान से समझना दो एक्शन हो रखे हैं एक्शन वन एक्शन टू एक्शन वन गोन और एक्शन टू है अराइव तो ट्रेन पहले गई है और मैं स्टेशन पर बाद में पहुंचा हूं तो बहुत वन एंड टू आर पास्ट एक्शंस बट एक्शन वन हैपेंड एक्सेंट टू तो जो एक्सेंट पहले हुआ है वहां हमने किसका यूज किया है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है अब जैसे यहां ले लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल टाइम लाइन के अकॉर्डिंग द ट्रेन हैड गोन वेन आई अराइव एट द स्टेशन मैं पहुंचा यहाँ पे आई अराइव एट द स्टेशन मैं पहुंचा यहाँ पे ठीक है आ, और ये आगे फ्यूचर टेंस है पास्ट the train had gone accordingly sentence likha hua hai so we don't know when exactly the train went action moment yahan kya hai action 1 aur action 2 kya hai i arrived at the station aur action 1 tha train went तो जो एक्शन पहले हुआ है उस एक्शन को show करने के लिए हम किसका use करेंगे यहाँ पे Past perfect tense का use करेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां हम बात करते हैं टू टू टॉक अबाउट अ पास्ट एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट वी यूज बिफोर एंड आफ्टर अब देखो बहुत ध्यान से समझना है आपको यहां भी द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी तो पहले हम पहुंचे या पहले फिल्म स्टार्ट हुई फिल्म स्टार्ट हुई ना तो इसलिए यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है और हम पहुंचे बाद में है We arrived after the film had started. We arrived after the film had started. तो यहाँ भी क्या हुआ हम पहुँचे बाद में हैं और फिल्म जो है पहले स्टार्ट हो चुकी है तो यहाँ हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे तो ये दोनों तरीके हैं इन दोनों वे से आप सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम बात करते हैं वी ऑल्सो यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो द कॉज ऑफ अ पास्ट एक्शन कॉज होता है कोई भी कारण कारण दिखाने के लिए पास्ट एक्शन का आई वॉज टायर्ड ऑन मंडे बिकॉज आई हैडेंट स्लैप्ड वेल द नाइट बिफोर अब यहाँ पे कारण क्या दिखाया गया है कि वो रात को सही नहीं सो सका था विद टाइम एक्सप्रेसन सच एज वेन आफ्टर बिफोर एज सुन एज When I got home, my mother had already prepared dinner. तो so, had prepared यहाँ हम क्या शो कर रहे हैं Past perfect tense शो कर रहे हैं चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ की स्ट्रक्चर क्या होता है हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड ही होती है पास्ट टेंस में चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब ओनली हैड ही होती है ठीक है बिफोर पास्ट सिंपल मैरी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड तो यहाँ पे हैड फिनिश्ड जो है वो क्या शो कर रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इसे बहुत ध्यान से हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखो एफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस दिए हुए हैं आई हैड फिनिश्ड माई वर्क यू हैड स्टॉप्ड बिफोर मी ठीक है had had अब सेकेंड है शी हैड नोट गोन टू द स्कूल नोट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया वी हैड नोट लेफ्ट ये भी नेगेटिव सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन मार्क लगता है ठीक है वो हमारे लास्ट टू हैं हैड यू अराइव्ड क्या तुम पहुंच चुके थे हैड दे इटन डिनर क्या वो रात्रि का भोजन खा चुके थे तो यहाँ हमने सब्जेक्ट यू और दे से पहले हमने किसका यूज़ किया है? हैड का और उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद करने हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को पुट करना है चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ हमारी एक्सरसाइज की ओर एक्सरसाइज में आप बात करेंगे कि हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स क्या क्या है अब यहाँ हम मार्क करेंगे सी हैड मैट हिम बैक इन कॉलेज द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गो टू द एयरपोर्ट आई हैड रिटर्न द ई मेल बिफोर ही अपोलोजाइज्ड के हैड वॉन्टेड टू सी द मूवी बट शी अराइव्ड टू लेट तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जिससे पास्ट परफेक्ट टेंस जो है कम्प्लीटली यहाँ पे क्लियर है अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है सपोज करो इस फर्स्ट वाले का नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो हम कैसे करेंगे शी हैड नोट मैट और बाकी सब पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा ठीक है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड के बाद और मेन वर्ब से पहले हम क्या यूज करेंगे नोट ठीक है बट यूज कहा होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले सेम ऐसे ही है अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैड को उठा के हम कहाँ लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले हैड शी मैट हिम बैक इन द कॉलेज और क्वेश्चन मार्क यहाँ हम लगा देंगे देखो मैं दोबारा बताती हूं यहाँ पे अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है तो ये हैड उठा के कहाँ ले आएंगे सी से पहले हैड शी मेट हिम यहाँ नहीं रहेगा फिर ये मेट हिम बैक इन द कॉलेज और क्वेश्चन मार्क गॉट इट तो आप लोगों को यही चीज बहुत ध्यान में रखनी है अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड आगे ले आएंगे हैड द प्लेन लेफ्ट बाय द टाइम आई गो टू द एयरपोर्ट और क्वेश्चन मार्क सेम ऐसे ही हो जाएगा हैड आई रिटर्न द ई मेल बिफोर ही अपोलोजाइज्ड हैड केट वॉन्टेड टू सी द मूवी बट सी अराइव्ड टू लेट क्वेश्चन मार्क तो यहाँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हेल्पिंग को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना है और ऐसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस को जो है सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे ये आपका बहुत ही इजिएस्ट पार्ट है आई होप सबको समझ आया होगा और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो चलिए एंड अप करते हैं वीडियो को गुड बाय अ नाइस डे बाय